लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का जीपीएस स्कूल भगवाड़ी नीट जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा सीकर एवं जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, इतना ही नहीं क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर मैं आपके लिए खास बुलेटिन। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क बदलते वक्त का है ना, मैं हूँ देशराज यादव। और खबरों की शुरुआत उस खबर से जो खबर है आपके लिए जरूरी। बहरोड उपकारागृह का निरीक्षण करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, जहां पर जेल के अंदर औचक निरीक्षण किया गया, लेकिन उनके हाथ कुछ खास आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। ऐसे में जेलर को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश देकर वापस लौटना पड़ा। निमराना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज, बहरोड, निमराना, शाजापुर, मानन के थाना अधिकारी, डीएसपी और तहसीलदार अभिषेक यादव के साथ जेल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने जेल के अंदर निरीक्षण किया, साथ ही बंदियों से जानकारी हासिल की। निरीक्षण के दौरान जेल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक मिला या अधिकारियों को ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे बड़ा एक्शन लिया जा सके। डीएसपी ने कहा कि जेलर को सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि जेल परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा को मजबूत रखा जा सके। निरीक्षण के दौरान बहरोड डीएसपी कृतिका यादव, निमराना डीएसपी सचिन शर्मा, जेलर कालू राम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे पुलिस मुख्यालय के और प्रशासन के निर्देश है, उस पर जिम साहब, तहसीलदार साहब और मेरे द्वारा मेरे सेक्टर के समस्त पदाधिकारियों और थाना अधिकारियों की टीम के साथ में आज उपकारागृह बहरोड का निरीक्षण किया गया। हमने बिल्कुल सघन रूप से चेकिंग की, अकस्मात निरीक्षण था। अंदर जितने बंदी थे उनसे वार्ता भी की गई और कोई पूरे दौरान निरीक्षण कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। और जो यहाँ पे कुछ एक जो कमियाँ हमें लगी हो उसके लिए हमने इनको जेलर साहब को अलग से निवेदन भी कर दिया है, जिसमें वो उच्च अधिकारियों से बात करके और आगे उसमें दुरुस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। इसी के लिए हमारा मेन फोकस है कि यहाँ पे परिसर में और उसके बाहर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होने चाहिए, जो कि अति आवश्यक है यहाँ के लिए, चाहे सेफ्टी के लिए देख लें चाहे निगरानी के लिए देख लें। तो इसलिए इस बारे में हमने इनसे चर्चा भी की, इन्होंने उच्च अधिकारियों से बात करने के लिए भी दिया। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस अब बाइक के दामों में मिलेंगी गाड़ियां, आपके लिए लेकर आए हैं सेकेंड हैंड जेन्युइन गाड़ियां, वह भी फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो आज ही कीजिए अपने सपनों को पूरा, अपने सपनों के उपहार को घर ले जाइए, वह भी कम कीमत पर। भाई बाइक के रेटों में गाड़ियां जरूरी ज्यादा क्या चाहिए, इतना ही नहीं, जेन्युइन सर्विस, वॉशिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एक्सीडेंटल, गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस से कैशलेस की सुविधा। प्रोप्राइटर अमित यादव, नियर बाबा भास्कर नंद कट, NH 48, बहरोड। बहरोड कस्बे के कुंड रोड पर स्थित श्रीमती नारायणी देवी पीजी महिला महाविद्यालय में आज उमंग यूथ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान फ्रेशर पार्टी का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान नवागंतुक छात्राओं ने अपना परिचय दिया, साथ ही कॉलेज छात्राओं द्वारा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिस दौरान अव्वल रही छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज चेयरपर्सन डॉक्टर नीलम यादव ने दीप प्रज्वलित कर की। वहीं छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। प्राचार्य डॉक्टर नीलम यादव ने तमाम छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जीवन में सदैव लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, डॉक्टर संजय यादव, अमरचंद शर्मा, पृथ्वी सिंह सहित महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्राएं मौजूद रही। अब दिल्ली जयपुर जाने की परेशानी हुई खत्म। आपके शहर बहरोड में मेहंदी बाई चिराग, जहां महिलाएं बनवा पाएंगी एक से बढ़कर एक मेहंदी डिजाइन में भी उचित रेट पर, जहां पर ब्राइडल मेहंदी, स्पेशल करवा चौथ मेहंदी, थीम मेहंदी विद पोर्ट्रेक्ट वर्क, मंडेला मेहंदी आर्ट, चूड़ा मेहंदी, हैवी सोल मेहंदी, अरेबिक कलर्ड मेहंदी, एंगेजमेंट मेहंदी और भी कई तरह की मेहंदियां बनाई जाती हैं। अब आप भी दिखेंगे कुछ खास, तो आज ही चले आइए मेहंदी बाई चिराग पर। एड्रेस कृष्णा कॉम्प्लेक्स, नारनौल रोड, बहरोड। प्रोप्राइटर चिराग यादव। निमराना में राजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की सदस्य ज्योति देवी के द्वारा शहद के लघु 2 का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा नेता बलवान सिंह यादव ने किया। इस अवसर पर सबसे पहले बलवान सिंह यादव ने ज्योति देवी को नए प्रतिष्ठान के शुभारंभ पर बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उद्बोधन के दौरान कहा कि आज राजीविका कार्यक्रम के तहत इस शहद प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है, जो हमें अपने उत्पादकों का वाणिज्यकरण करने, स्वरोजगार उत्पन्न करने और आर्थिक समृद्धि की ओर
मजबूत कदम उठाने का अवसर प्रदान करेगा। यह शहद प्लांट हमारे लिए उदाहरण होगा कि किस तरह से हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर अपने क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस अवसर पर अंजलि यादव, केजी कौशिक, के यादव, प्रिंस सक्सेना, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक सहित सभी क्षेत्रवासी मौजूद रहे। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड। बहरोड क्षेत्र के बेटेड़ा में स्थित बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय में NAAC पीयर टीम का 2 दिवसीय मूल्यांकन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर वेंकट राव निमाम, डॉक्टर विशाल सूद, डॉक्टर रेनी फ्रांसिसी का महाविद्यालय परिवार द्वारा भव्य स्वागत कर अभिनंदन किया गया। इन 2 दिनों के दौरान पीयर टीम ने महाविद्यालय के शैक्षणिक, सहशैक्षणिक और प्रशासनिक पहलुओं का गहन मूल्यांकन किया। महाविद्यालय के सभी विभागों और सुविधाओं की जांच करते हुए टीम ने विभिन्न स्तरों पर संवाद और विचार विमर्श किया। इस प्रक्रिया के दौरान टीम के सदस्यों ने शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर बनाने के लिए उपयोगी सुझाव और मार्गदर्शन किया। वहीं पीयर टीम का यह दौरा महाविद्यालय के लिए प्रेरणादायक और उपयोगी सिद्ध होगा। बहरोड के साथ साथ नीमराणा में भी रोनित अलाइनमेंट एंड सर्विस स्टेशन की सेवाएं शुरू। नियर हीरो चौक, जयपुर रोड, मोहलडिया, हमारे यहां पर गाड़ियों की बेहतरीन धुलाई के साथ साथ अलाइनमेंट बैलेंसिंग की जाती है, वह भी ऑटोमेटिक कंप्यूटर मशीनों के द्वारा। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। प्रोप्राइटर महेंद्र सिंह यादव, संदीप यादव, खोहरी वाले। जिला कलेक्टर ने की आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जन भावनाओं के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाएं, समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम कोटपुतली पंचायत समिति के VC कक्ष में आयोजित की गई। माह के तीसरे गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में शमशान के लिए भूमि आवंटित करने, खाद्य सुरक्षा से नाम जोड़ने, आबादी भूमि का विस्तार करने, भूमि विभाजन सहित अनेक मामलों संबंधित 37 प्रकरण प्राप्त हुए, जिन पर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर ने कुछ परिवादों को मौके पर ही निस्तारित कर शेष परिवादों के बारे में संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर तुरंत कार्रवाई कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई के साथ साथ संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कार्यालय सहित विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले परिवादों का निस्तारण समय सीमा के रहते किया जाना चाहिए। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। तो आज के दिन भर में यही है खास, कल फिर लेकर हाजिर होंगे। क्या कुछ रहेगा कल के लिए खास?